जैसे कि हमने वैगनार 1000 सीसी इंजन में हमने किट लगाई, किट लगाने के बाद हमने फिटिंग किया, प्रॉपर तरीके से काम हो चुका। तो एक एक चीज़ मैं बताऊं, बहुत सस्ते दामों में किट लगा के दे रहे हैं और बैक फिलिंग वाल भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और एडवांसर हम अपनी केकस की प्रमोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि केकस एक ऐसी चीज़ है एडवांसर जो आपको पानी जाने तक की भी गारंटी मिलती है। तो ये वीडियो को पूरी देखें, जब तक वीडियो पूरी देखेंगे नहीं पता कैसे चलेगा आपको कौन सा क्या सामान। 1000 सीसी गाड़ी का इंजन है और 2 से 2.5 महीने का इसका प्रोसेस अपडेटिंग आ जाएगा। 2 से 2.5 महीने लगेंगे इनको आरसी इंडोसमेंट का, जब तक अप्रूवल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई भी चेंजिंग का पार्ट्स का कुछ भी नहीं होगा, आरसी इंडोसमेंट कराने की जिम्मेवारी हमारी है कि सीएनजी की जिम्मेवारी है, जो आरसी भी चढ़वा के देंगे। हमने लगाया है BS60 किट, लगाया उसके अंदर सिलेंडर लगा, प्रॉपर तरीके से काम हुआ है, एक एक चिप पाइप का स्टैंड के साथ में काम किया, जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाया हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। दूसरी बात, हम लाइफ टाइम सर्विस फ्री देते हैं आपको, लाइफ टाइम सर्विस हम आपको फ्री देते हैं और फ्री चेकअप देते हैं। 1 साल की किट की गारंटी, और 1 साल के बाद भी कोई कंपनी का पार्ट्स ख़राब हो जाता है, कंपनी आपकी करे नहीं करे मगर हीरा खान अपने पास से करके देगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हीरा खान की, वो करके देगा स्पेयर पार्ट्स। तो बाकी आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा प्यार दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। वेलकम बैक केसेजी केसेंजी में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका भाई हीरा खान, आज है लग रही है मारुति की 1000 सीसी गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर सीएनजी किट। इंस्टॉलेशन हमने करना स्टार्ट कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज काम हो चुका है। वायरिंग का एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कौन कौन सी वायरिंग हमने किधर किधर लगाया है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ सबसे पहले के गैस। ये के गैस का एडवांसर है, फुल्ली वाटर प्रूफ की गारंटी है, 6 महीने के अंदर इसके अंदर पानी चला जाए इसके अंदर रिप्लेसमेंट करके देंगे। आप ये देख सकते एडवांसर है, जो एडवांसर का काम क्या होता है, जो सेकंड गियर की जो गाड़ी जो लैग मारती दबती है गाड़ी, उस गाड़ी को परफॉर्मेंस को कवर करने के लिए लगाया गया है। और ये आपका मीजो का 48 पिन का ECU है, बेस्ट क्वालिटी का है। आप देखते 623 का माल लगा हुआ है, इसके ऊपर मेंशन है, डब्बे के ऊपर नंबर है, एक एक नंबर मेंशन होंगे। पहले से हम आते हैं इसकी वायरिंग का हार्नेस को लेके चलते हैं। तो एक एक हार्नेस के पूरा प्रॉपर तरीके से हमने काम कर चुके हैं। तो अब आगे हम इसके यहाँ पे इंजन पे इंजन के हम वायरिंग कनेक्शन कर रहे हैं, एक एक वायरिंग कनेक्शन अंडरग्राउंड कर रहे हैं, जो आपको पता नहीं चले वायरिंग कैसे हुए। पूरी अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है प्रॉपर तरीके से। और ये आता है फिलिंग बाल, इसमें हमने फिलिंग बाल यहाँ भी लगा रखा है और एक बैक फिलिंग बाल भी लगा रखा है। तो ये रहा फिलिंग बाल, ये है रेड्यूसर, रेड्यूसर डबल स्टेट का है, प्रेशर के साथ में लगेगा, जो यहाँ से प्रेशर निकलेगी गैस को, जो इंजेक्टर प्रेशर कितना जाएगा उस हिसाब से इंजेक्टर देगी। हेवी ड्यूटी की कॉइल लगी हुई है इसके अंदर, मीजो की कॉइल है, प्रॉपर तरीके से काम हो चुका है सेटअप के साथ में। तो आप धीरे धीरे पूरा सेटअप कर रहे हैं, तो करने के बाद हम आपको करेंगे अपडेट। वीडियो में बने रहे, वीडियो को मजा लेते रहें और वीडियो में नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। इंजेक्टर लगाया मीजो का, ये अपना मैप सेंसर, पूरी फिनिशिंग साथ में काम हुआ है, आगे भी फिलिंग बार लगा है, बैक भी फिलिंग बार लगा है। बाकी मैं आपको वीडियो अपडेट और करूँगा पूरा फ्रॉम के सीएनजी सरोजिनी रोड मार्केट। इसमें हमने लगाया है पाइप वाला स्टैंड, स्टेपनी बिल्कुल जहाँ है आपकी स्टेपनी, अब स्टेपनी हुई है, पाइप वाला स्टैंड लगा, बिल्कुल कंपनी की तरह फिटिंग हुई है इसके अंदर। और कवर हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है, सिलेंडर वाल न्यू है, और सिलेंडर वाल कुछ नहीं होता इसके अंदर। सर ढक्कन खोलना है, पेटों का ढक्कन। और हम आपको दिखाना चाहते हैं इसके अंदर कैसे कैसे हमने सीएनजी सॉल्यूशन किया है, और हमने बैक फिलिंग बाल भी लगाया इसके अंदर। ये रहा बैक फिलिंग बाल, खुद का हुआ, प्रॉपर तरीके से बैक फिलिंग बाल इसके अंदर निकाल के लगा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से काम होगा, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। और ये गाड़ी है वैगनार फ्रॉम के सीएनजी सरोजिनी रिंग रोड मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, लोकेशन बाय खोखा। बाकी वीडियो अपडेट कर, ये सिस्टम समझाने वाला भी मैं आपको प्रक्रिया बता दूं। जब आपकी गाड़ी ये बिलिंग कर रही है तो समझ लो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है, तो बिलिंग कुछ सेकंड, हमने 30 सेकंड भी रह सकते हैं, 10 सेकंड भी रह सकते हैं। अब हल्का ऐसे समझ लो, गियर लगाओ, हल्का सा गियर लगाओ, हल्का ट्राई करो, हल्का ट्राई करो, हल्का ट्राई करो, बस ये आ गया आपकी गैस पे, ठीक है सर। ये गैस पे जब आपको पेट्रोल चलाना, उसको लाल वाली बत्ती ना उसको टच कर दो, ठीक है। और कोई दिक्कत, हाँ और कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ये हो गया गाड़ी फाइनल। ये आर मतलब रिजर्व है, ये आर मतलब रिजर्व है, बाकी 4 बत्ती एक एक कर बत्ती करीब कम होगी, उसके बाद आर पे भी कम से 20 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, कोई इशू वाली बात नहीं। बाकी और कोई दिक्कत हो, बस ठीक है, और कोई सेवा हमारे लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी हम कस्टमर से 1200 किलोमीटर फीडबैक लेते हैं इन गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी लगी है वैगनार, आप देख सकते हैं वैगनार के अंदर हमने सीएनजी लगाई, 1000 सीसी इंजन है, और प्रॉपर काम हो गया। बाकी वीडियो पसंद है, बहुत सारा प्यार से शेयर करते हैं।